नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विष्णु देवा टेक चैनल और आज हम देखने वाले कि वोल्टेज, वैट और एम्पियर इन तीनों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, हम तीन कॉलम, ए से कॉलम, इसके बाद पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वाट लिखेंगे और उसके बाद वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर। ये एम्पियर को हम आई से दर्शाते हैं, ये आई करंट। सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमको क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि इनके जो आविष्कार किया है वो किसने किया है। तो ये वैट का जो आविष्कार किया है वो जेम्स वैट ने किया है, जेम्स वैट, इसलिए इसका नाम वैट रखा है। और जो वोल्टेज का आविष्कार किया है वो वोल्टा, इसका पूरा नाम अभी मुझको भी मालूम नहीं। वोल्टा इसके वजह से नाम इसका वोल्टेज पर आया। और इसका एम्पियर का जो आविष्कार किया है वो एंड्रा मेरियन एम्पियर एम्पियर इसने किया है, इसकी वजह से इसका नाम एम्पियर रखा हुआ है। अभी सबसे हम देखने वाले कि वैट का मतलब क्या है। वैट का मतलब है कि किसी भी एटम का पावर। परम पावर, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि हमारे जो घर में एलईडी बल्ब रहता है वो कितने वाट का रहता है। मतलब एक बल्ब है 10 वैट, दूसरा है 15 वैट, जो छोटा वैट का रहता है वो रहता है 7 वैट, ऐसा रहता है। तो इसका जो वैट रहता है, वैट ये हमको पावर बताता है। वैट का मतलब ये बिजली ज़्यादा खाता है। अभी ये 15 वैट का है तो ये 7 से ज़्यादा बिजली खाएगा 15 वैट। तो चलिए अभी हम वोल्टेज की ओर जाते हैं दोस्तों। वोल्टेज मतलब हमारे घर में आता है 220 वोल्ट। ये वोल्टेज 220 वोल्ट हमारे घर में आता है। तो हम देखते हैं कि वोल्टेज को सीधा देखें तो वोल्टेज को हम फोर्स भी कह सकते हैं। वोल्टेज को हम फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये करंट को धक्का देने का काम करता है। इसे हम धक्का मतलब इससे हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ईएमएफ इसका लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते थे कि इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि ये जो ट्रैक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर, और यहाँ पे जो ट्रॉली है इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रॉली में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब ये ट्रैक्टर निकलेगा, ये ट्रॉली तो एक ही जगह रहेगी, जब ट्रैक्टर जब फोर्स देगा तो ट्रॉली आगे जा पाएगी। मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये जो है ये ट्रैक्टर, ये वोल्टेज, ये फोर्स का काम करता है। जब ये ट्रैक्टर आगे जाएगा तभी ये ट्रॉली आगे जाएगी, इसका मतलब ये करंट को फ्लो करता है। वोल्टेज जो रहता है वो फोर्स का काम करता है। तो चलिए और देखते हैं हम एम्पियर के बारे में। एम्पियर जो रहता है इसमें एटम रहता है, एटम मतलब
इस एटम में तीन तीन कंपोनेंट रहते हैं। पहला रहता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा रहता है प्रोटॉन और तीसरा रहता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रहता है, सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बहने को प्रवाह को हम एम्पियर का कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, इलेक्ट्रॉन की बहने बहने की प्रवाह को हम एम्पियर कहते हैं। और एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेके चलेंगे तो इसका एग्जांपल है, यदि एक एम्पियर का एग्जांपल निकालेंगे हम, क्यू का मतलब कूलम रहता है, एक कूलम तथा टी का मतलब टाइम, एक सेकंड हो तो एक बराबर एक एम्पियर कहा जाता है, तो ये छोटी सी माहिती आपको कैसी लगी दोस्तों? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।